इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। ओ बचा लो, अल्लाह तो बदो अपने बाबे नु, क्यों मरवाने लगे मेरे हाथों। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा, उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां हड्डियां, सारा जिसमें तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया और यहाँ से उठाकर चुक के बार मारा ऊपर जहाँ पर बाबा जी का तख्त है। तो बाबा जी को उस जोगी ने फिर अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे, दूध पिया करते थे। तो उस गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे, आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। What? दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसे जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उसे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसे तो सारी मर गई, मैं क्या करूं। आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, संडे ने दूध दिया वो भी मर गया। अभी वो सारी जो उसकी भैंसे जब मर गई ना तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी, क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसे तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहां पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है तो वहां पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना, वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे वो तुम्हारी पीछे आती जाएगी।